उसमें हमारे पास नेक्स्ट मेथड थी वाष्प अवस्था परिष्करण। देखिए हम धातु क्रम पढ़ रहे हैं, धातु क्रम का हमने पांचवा स्टेप जो हमारा रनिंग है वो है, चार स्टेप जो थे वो आपको ध्यान ही है। पहला स्टेप क्या था हमारा, वो स्टेप था अयस्क को पीसना, दूसरा स्टेप था अयस्क का सांद्रण, तीसरा स्टेप था सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, चौथा स्टेप था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, पर वो धातु कैसी होती है अशुद्ध, और पांचवा स्टेप जो हमारा था वो था धातु का शुद्धिकरण, जिसको हमने कहा था अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण। क्लियर है? शुद्धिकरण में हम कुछ विधियां पहले से पढ़ चुके हैं। पहली विधि कौन सी पढ़ी थी हमने, आसन। आसन में क्या था, जिनका क्वथनांक क्या होता है कम, उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए हम आसन विधि काम में लेते हैं। फिर था द्रव्य गलन परिष्करण, जिनके गलनांक कम होते हैं उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए हम उस विधि को यूज करते हैं। विद्युत अवकलन लिया था हमने, विलोडन लिया था, ठीक है, मंडल परिष्करण पढ़ा था, बहुत अच्छी विधि थी। अर्धचालकों के शुद्धिकरण हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, मंडल परिष्करण विधि, जिसको हमने क्षेत्र परिशोधक विधि भी बोला था, इंपॉर्टेंट मेथड थी। उसके जस्ट बाद हमारा जो विधि है शुद्धिकरण की वो है वाष्प अवस्था परिष्करण। जिसको मैं क्या कह सकता हूं, इंग्लिश में कह सकता हूं वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था परिष्करण। क्लियर है? देखिए सबसे पहली बात, इस विधि द्वारा कौन कौन सी धातुओं का शुद्धिकरण होता है, निकिल धातु का, टाइटेनियम धातु का और जर्मोनियम धातु का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा होता है। देखिए इस विधि में क्या होता है कि हम करेंगे क्या, पहले आप जो आपके पास कैसी धातु है, अशुद्ध धातु है, उस अशुद्ध धातु को किसी यौगिक के साथ आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यौगिक के साथ क्या करेंगे, आप उसको गर्म करेंगे। यौगिक कैसा होना चाहिए, वाष्पशील, वोलेटाइल, वाष्पशील यौगिक होना चाहिए। उसके साथ आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक यौगिक बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक बनेगा, वो यौगिक भी क्या होगा, वाष्पशील। और उस वाष्पशील यौगिक को आप फिर क्या करेंगे, उससे हाई टेम्परेचर पर उच्च ताप पर उसको क्या करेंगे, आप फिर से गर्म करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु। देखिए इस विधि का मेथड क्या है कि आप अशुद्ध धातु को किसी ऐसे वाष्पशील यौगिक के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा, वो भी कैसा होगा, वाष्पशील। इस यौगिक को फिर से उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो अशुद्धियां तो वाष्पीकृत हो जाएंगी और हमें क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु। क्लियर है? परंतु इस विधि में देखिए आप लोग दो शर्तें रहेंगी हमारे पास, शर्त क्या रहेगी, शर्त ये है हमारे पास इस विधि के लिए, कंडीशंस क्या है, शर्तें आपको पता है, हमें शुद्ध धातु कहां से मिलेगी, अशुद्ध धातु से। ये जो पदार्थ है कौन, योगी, इसके सिलेक्शन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये योगी कैसा होना चाहिए, कौन होगा, उसमें क्या खास बातें होनी चाहिए, तब जाकर हम उसकी क्रिया किससे करवाएंगे, अशुद्ध धातु से। तो इस योगी के चयन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तो ये जो मैं शर्तें लिख रहा हूं, जो कंडीशंस बता रहा हूं, किसके लिए है, वो है इसके लिए कि आप अशुद्ध धातु को कौन से यौगिक के साथ गर्म करेंगे, उस यौगिक का जब आप सिलेक्शन करेंगे तो उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक पहली शर्त को क्या है कि यौगिक जो है, यौगिक ये वाला, ये कैसा होना चाहिए, स्वयं क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। यौगिक स्वयं क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए।
होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या है, स्वयं को वासशील है जब यह योगी किससे क्रिया करेगा, अशुद्ध धातु से, तो दोनों को मिलाकर एक योगी बनेगा, ये वाला, ये भी क्या होना चाहिए, वासशील। तो जो अशुद्ध धातु से योगी बनेगा, अशुद्ध धातु से क्रिया करके कैसा योगी भी बनाना चाहिए, वासशील योगी का ही निर्माण होना चाहिए। देखिए, खुद वासशील होना चाहिए, जब अशुद्ध धातु से क्रिया करे तो बनने वाला योगी भी कैसा हो, वासशील हो। और तीसरी बात, जब इसको हम और क्या करेंगे, जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये आराम से टूटना चाहिए, आसानी से विघटित होना चाहिए। आप वापस से इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, जो वाष्प अवस्था परिष्करण है वो क्या है, निकिल टाइटेनियम जर्कोनियम धातुओं के शुद्धीकरण के लिए क्या बनाई गई है, विधि बनाई गई है। इस विधि में क्या होता है, हम अशुद्ध धातु को किसी ऐसे यौगिक के साथ गर्म करते हैं और उस यौगिक से जब अशुद्ध धातु क्रिया करती है तो फिर से एक यौगिक बनता है, और वो यौगिक जब उच्च ताप पर फिर से गर्म करते हैं उसको, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु। अब इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो यौगिक कैसा होगा, ये कौन है, कैसा यौगिक लिए, क्या बातें उसमें होनी चाहिए। तो इस यौगिक के चयन में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, क्या, कि जिस भी यौगिक की क्रिया किससे करवा रहे हैं, अशुद्ध धातु से करवा रहे हैं, वो यौगिक खुद भी क्या होना चाहिए, वासशील होना चाहिए, वास बननी चाहिए उसकी। और जब वो किससे क्रिया करे, अशुद्ध धातु से क्रिया करके, जो यौगिक बनाएगा वो खुद भी क्या होना चाहिए, वासशील ही होना चाहिए। और जब इस वासशील योगी को गर्म करे तो ये वापस से टूटना भी चाहिए, क्योंकि टूटेगा तभी तो कहते हैं कि शुद्ध धातु, इसलिए आसानी से वो क्या भी होना चाहिए, विघटित होना चाहिए। ये इस विधि की क्या है, शर्त है। हमने शुरू में पढ़ा था इस विधि द्वारा निकिल टाइटेनियम और जर्कोनियम धातुओं का क्या होता है, शुद्धिकरण। तो वास अवस्था परिष्करण में हमारे पास दो ऑप्शन है, छह नंबर, छह नंबर में हमारे पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम शुद्धिकरण करेंगे निकिल धातु का, निकिल धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो छह नंबर में हमारे पास स्मॉल ए है, निकिल शोधन की, निकिल धातु के शुद्धिकरण की, निकिल शोधन की मांड विधि, निखिल शोधन की मांड विधि। देखिए इसमें क्या होगा, मैं पहले समीकरण लिख रहा हूं, ठीक है, शर्त वही रहेगी, ये साफ निखिल है, और इस निखिल को मैं कैसा कहूंगा कि ये कैसी निखिल है, अशुद्ध निखिल है, कैसी निखिल है, ये अशुद्ध निखिल है। अशुद्ध निखिल की क्रिया आप करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अब आप बता दीजिए ये कौन है, ये है वो यौगिक जिसके चयन में हमें कितनी बातें ध्यान रखनी थी, तीन बातें ध्यान रखनी थी। ये आपके पास क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये है वो आपके लिए क्या, वासशील यौगिक, ठीक है। एक शर्त पूरी होगी इसकी, ये खुद क्या है, वासशील, तो यौगिक क्या होना चाहिए, वासशील होना चाहिए, ठीक है। इससे जब क्रिया होगी और इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास हो सकता है 330 से 350 केल्विन ताप पर, इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये यौगिक इस अशुद्ध निकिल से क्रिया करके यौगिक बनाएगा सर, NiCO4 संकुल योगी है, वैसे नाम क्या हो गया,
इसका चैप्टर चलेगा 9th नंबर का कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंपाउंड, उसमें अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका, टेट्रा कार्बोनिल, ये CO का लिगेंड नाम क्या होता है कार्बोनिल, चार के लिए टेट्रा और निकिल, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकिल की कितनी है जीरो, बिकॉज CO एक ऐसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है, तो नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ये है लेकिन वो यौगिक अशुद्ध धातु से क्रिया करते हैं, कैसा यौगिक बनाना चाहिए वाष्प चाहिए, तो ये यौगिक क्या है, ये भी कैसा यौगिक है वाष्पी यौगिक, ये भी कैसा यौगिक है वाष्पी, इसने कितनी शर्तें पूरी कर ली दो, किसने कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए आप इसको फिर से गर्म करेंगे इसी यौगिक को, इसी यौगिक को आप क्या करेंगे, आप इससे क्या करेंगे उच्च ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो 450 से 470 केल्विन ताप पर क्या करेंगे आप इसको गर्म करेंगे। तो मैंने क्या लिखा था, आसानी से क्या होना चाहिए विघटित होना चाहिए, ये टूटेगा तभी तो क्या मिलेगी हमें निकिल, कल को मान लीजिए कि इससे क्रिया तो करते हैं और ये टूटे नहीं तो निकिल तो इसके अंदर रखे हुए धातु नहीं मिलेगी, तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो यौगिक बनाएगा ये CO, ये यौगिक जो अपन ले ये इससे क्रिया करके जो यौगिक बना रहा हो यौगिक आसानी से टूटना भी चाहिए, तो बिल्कुल टूट जाएगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं टेम्परेचर पर, तो आसानी से क्या भी होना चाहिए टूटना भी चाहिए, तो टूट कर बनाएगा निकिल प्लस CO, कितने CO 4 CO, बैलेंस कर दूंगा 4 CO। अब देखिए जो अशुद्धियां थी ना वो किसके साथ विघटित हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और हमें ये निकिल कैसे अवस्था में प्राप्त होगा शुद्ध अवस्था में, ये है हमारे पास निकिल शोधन की मांड विधि, इसी में अपन सेकंड विधि लेंगे, उसमें भी जो यौगिक अपन लेंगे उसमें तीनों शर्तें पूरी होगी, वाष्पी होगा खुद क्या होगा वाष्पी, जो अशुद्ध धातु से क्रिया करके जो यौगिक बनाएगा इनसे क्रिया करके वो खुद भी क्या होगा वाष्पी और आसानी से वापस टूटेगा, तो ये तीन शर्तें मैं रिवाइज कर दूं, ये तीनों बातें किसमें होनी चाहिए अशुद्ध धातु में या जिससे क्रिया करवा रहे उससे, इसमें इसकी क्रिया करवा रहे, तो ये बातें इसमें तो थी। इसी का दूसरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे वो है कौन सी धातु बच गई निकिल के बाद, अभी दो पढ़ी थी हमने जर्कोनियम और टाइटेनियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम, देखें इसमें भी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है जर्कोनियम का करवा लेते हैं पहले क्रिया पर इसकी, तो देखिए आप क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारा सेकंड ऑप्शन था वो था 1R के लिए, जर्कोनियम के और टाइटेनियम के मेथड वही रहेगा किसकी तरह ही, तो सबसे पहले किसका शुद्धिकरण करें जर्कोनियम, पहले किसका शुद्धिकरण जर्कोनियम का, इसी तरह पढ़ेंगे अपन, देखिए आप क्या करेंगे जर्कोनियम की, और ये जर्कोनियम कैसा है आपके पास अशुद्ध है, जर्कोनियम कैसा है अशुद्ध है आपके पास, अशुद्ध जर्कोनियम की क्रिया आप वाष्पी ठोस किससे I2 ठोस आयोडीन जो वाष्पी होता है उद्पाती होता है इससे आप इसकी क्या करवाएं क्रिया, टेम्परेचर रहेगा 870 केल्विन ताप पर आप इसको क्या करेंगे हीट देंगे इसको गर्म करेंगे तो एक यौगिक बनेगा। अब देखिए आप जैसे यहां क्या था कार्बन मोनोऑक्साइड जो यौगिक का चयन करते हैं, यहां कौन है वो यौगिक, ये है वो यौगिक जिसके चयन में हमें कितनी बातें याद रखनी है, तीन बातें याद रखनी है, ये खुद वाष्पशील है एक शर्त, दूसरी शर्त
अशुद्ध धातु से भी क्या करके जो यौगिक बनाए वो भी क्या होना चाहिए, वास्तविक। तो बिल्कुल वास्तविक यौगिक बनाएगा या नहीं, और ये बनाएगा ZrI4 टेट्रा आयोडो जर्कोनियम, टेट्रा आयोडो जर्कोनियम, ठीक है। ये बन गया वास्तविक यौगिक इसकी तरह। अब इसको जब गर्म करें और अधिक क्या उच्च ताप पर, तो ये टूटना भी चाहिए। तो इसको गर्म करेंगे कहां, देखिए 1870 के लिए ताप पर, बट ये ताप हम हीट से नहीं देंगे, ये देंगे अपन विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा। और किस पर, ये देंगे टंगस्टन के तंतु पर, उसका गलनांक बहुत ज्यादा हो गया इसलिए। तो आप इस टेट्रा आयोडो जर्कोनियम को टंगस्टन के तंतु पर धारा प्रवाहित करके कब तक गर्म करेंगे, जब तक टेम्परेचर इतना नहीं पहुंच जाए 1870 केल्विन। जैसे इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा धारा की वजह से ये टूट जाएगा। इसमें भी टूट जाएगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन। ये कैसी जर्कोनियम है, शुद्ध जर्कोनियम, क्लियर है। इसी में अपन दूसरा ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, किसके लिए, टाइटेनियम के लिए, इसके लिए टाइटेनियम के लिए, सेम टू सेम मैटर है। यदि जर्कोनियम की जगह क्या होती है, टाइटेनियम, तो लीजिए किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। उसी तरह किसकी क्रिया, टाइटेनियम की। और कैसी टाइटेनियम है, अशुद्ध टाइटेनियम, ठीक है। इस अशुद्ध टाइटेनियम की क्रिया आप उसी तरह आयोडीन से करवाएंगे तो संकुल यौगिक बनेगा टेट्रा आयोडो टाइटेनियम। क्या बनेगा, टेट्रा आयोडो टाइटेनियम। बैलेंस कर लेंगे, ये है वो यौगिक वास्तविक जिसके साथ क्रिया करवाते। इसमें अपन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, ये खुद भी वास्तविक है, अशुद्ध धातु से क्रिया करेगा तो यौगिक बनाएगा वो भी क्या होगा, वास्तविक। इसको उसी तरह हम जब गर्म करेंगे उसी तरह किसके तंतु पर, टंगस्टन के तंतु पर जब हम गर्म करेंगे लगभग इतना ही टेम्परेचर हो जाएगा 1700 केल्विन, और 1700 केल्विन अपन किसके द्वारा देंगे, इसको विद्युत धारा प्रोवाइड करके देंगे। तो हमारे पास टाइटेनियम जो है वो कैसी अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध अवस्था में, प्लस आयोडीन अपने साथ अशुद्धियों को वाष्प बना के उड़ा ले जाएगा। ये हमारे पास 6 नंबर विधि थी, वाष्प अवस्था परिष्कार, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसको आप शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए। इस विधि में क्या होता है, अशुद्ध धातु को अपन एक ऐसे यौगिक के साथ क्रिया करवाते हैं जो खुद भी वाष्पशील हो, धातु से क्रिया करके वाष्पशील ही क्या बनाए, यौगिक बनाए, और जब उसको तोड़े तो आसानी से टूट जाए। इसके अंतर्गत दो विधियां थी, मान विधि और वान आर्के विधि। मान विधि द्वारा नित्य धातु का शुद्धिकरण होता है, वान आर्के विधि द्वारा जर्कोनियम और इसका शुद्धिकरण होता है टाइटेनियम का, ठीक है। मेथड सब एक ही है, ये यौगिक में से क्रिया करके यौगिक कैसा बनेगा, वाष्पशील, ठीक है। ये विधि जो है ए और बी दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है शुद्धिकरण की, बोर्ड एग्जाम में भी दोनों पूछी हुई है। तो एक तो मंडल प्रश्न बोर्ड में पूछी गई है, और एक मान विधि जो हमने आज पढ़ी है, और एक वान आर्के विधि जो आज हमने जर्कोनियम और किसके शुद्धिकरण के लिए बताई है, टाइटेनियम के शुद्धिकरण के लिए पढ़ी है। दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड अपन लेंगे शुद्धिकरण की, वो लेंगे क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखी विधि। जो नेक्स्ट विधि लेंगे अपन वो लेंगे वर्णलेखी विधि। हाँ जी, इसके बाद की जो मेथड है वो हमारे पास है वर्णलेखी विधि, सबसे इंपॉर्टेंट। और जब कोई विधि काम नहीं कर,
विधि यूज कौन सी करते हैं, वर्ण लेख की विधि। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है वर्ण लेख की विधि, वर्ण लेख की विधि, क्रोमेटोग्राफी। आज इस वर्ण लेख की विधि के आप इसकी थोड़ी सी परिचय इसका सुनिए। यह विधि जो है पुराने जमाने में किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों की पहचान, उनका पृथक्करण और शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती थी। सबसे पहले इस विधि को रंगीन पदार्थों के शुद्धिकरण में, उनके पृथक्करण में इसको यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमेटोग्राफी। क्रोम नाम किसका होता है, कलर का। क्लियर है। इस विधि को सबसे पहले कहां यूज किया था, रंगों के पृथक्करण में। इस विधि को सबसे पहले विभिन्न रंगों के पृथक्करण में यूज किया गया था, इसलिए विधि का नाम क्या हो गया, वर्ण लेख की विधि। और देखिए आपके पास कोई मिश्रण हो, मिक्सर हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा अवयव पड़े हो, तो मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की क्या करने के लिए, पहचान करने के लिए, उनका क्या करने के लिए, पृथक्कर करने के लिए इस विधि को यूज किया जाता था। देखिए क्रोमेटोग्राफी के बहुत से प्रकार हैं, क्रोमेटोग्राफी के बहुत से प्रकार हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। हम हमारे हिसाब से इस लेवल तक स्तंभ क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे साहब, ठीक है। तो वर्ण लेख की विधि जिसको मैं क्रोमेटोग्राफी इसमें कहता हूं, प्रसिद्ध नाम है, क्या कह सकता हूं, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेख की विधि। और इसमें मैं जो डिटेल से पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है। देखिए यह विधि आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये आपकी लेवल में भी पढ़ेगी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि दो प्रकार के पदार्थ यूज होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो एक पदार्थ को क्या बोलते हैं, स्थिर प्रावस्था, और दूसरे प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं गति प्रावस्था, स्थिर प्रावस्था और गति प्रावस्था। क्लियर है। देखिए ये जो हमने प्रावस्था नाम बोला है, ये दो प्रकार के पदार्थ ही होते हैं। ये तो हमने नाम बोला स्थिर प्रावस्था और गति प्रावस्था, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है। जिसमें अपन गतिक प्रावस्था के रूप में तो वो मिश्रण काम में लेते हैं, और स्थिर प्रावस्था के रूप में उस पदार्थ को अपन यूज करेंगे जिसका, जिससे हमें क्या करवाना है, अधिशोषण करवाना है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम दो प्रकार के पदार्थ यूज कर चुके हैं, और दोनों प्रकार के पदार्थों में हमारे पास ऑप्शन दो ही है, स्थिर प्रावस्था और बोलिए गति प्रावस्था। हाँ जी, स्थिर प्रावस्था में तो हम लेंगे क्या, हम लेंगे अधिशोषक पदार्थ, ठीक है। और गति प्रावस्था में क्या लेंगे, वो मिश्रण लेंगे जिसका हमें क्या करना है, अवयवों का पृथक्करण का मतलब ही क्या है, शुद्धिकरण का, सेपरेशन। तो मैं वर्ण लेख की विधि में स्तंभ क्रोमेटोग्राफी पढ़ा रहा हूं। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में दो प्रकार के पदार्थ यूज होते हैं, स्थिर
प्रावस्था और गतिक प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था में मैं अधिशोषक पदार्थ लूंगा और गतिक प्रावस्था के रूप में मैं क्या लूंगा, उस मिश्रण को लूंगा, उस अशुद्ध धातु के मिश्रण को लूंगा जिसका मुझे क्या करना है, पृथक्करण करना है। लेकिन देखिए स्तंभ क्रोमेटोग्राफी जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वो आधारित है अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित। और ये क्या कहता है, देखिए यहां मिश्रण का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यहां मिश्रण का मतलब ये है अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु में धातु के अलावा भी बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, मिश्रण का। तो यह विधि इस सिद्धांत पर काम करती है, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। होता क्या है, सिद्धांत ये कह रहा है कि कोई भी दो पदार्थ उनके भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, रासायनिक गुण समान हो सकते हैं, भौतिक गुण समान हो सकते हैं, परंतु वो दो पदार्थ किसी अधिशोषक पदार्थ पर एक ही प्रकार से अधिशोषित नहीं हो सकते, दोनों की अधिशोषण क्षमता एक समान नहीं हो सकती। तो इस विधि का सिद्धांत यह है कि जब किसी अधिशोषक पदार्थ पर हम मिश्रण को डालेंगे तो मिश्रण का प्रत्येक अवयव इस अधिशोषक पदार्थ पर भिन्न भिन्न प्रकार से क्या होगा, अधिशोषित होगा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर हम उनको पृथक कर लेंगे। क्लियर है, इसके लिए मैं आपको इसका एक डायग्राम आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं, वो देखिए आप। हमारे पास दो डायग्राम हैं, ये कॉलम है इसका नाम क्या है, कॉलम स्तंभ, ये भी कॉलम है, दोनों कॉलम है, इसके बाद की स्टेज है, अधिशोषण के बाद, और ये अधिशोषण से पहले, ठीक है। ये कॉलम है, कॉलम एक ही, उसके बाद की स्टेज दिखाई मैंने बोल रहा हूं। इसमें क्या करेंगे, ये डॉट लगी हुई है, ये डॉट है, ठीक है। यहां से हम किसको डालेंगे, अशुद्ध धातु, ठीक है। वहां से हम ऊपरी भाग से किसको डालेंगे, बोलिए अशुद्ध धातु। इसमें कॉलम में पहले से क्या भरा हुआ है, कोई ना कोई क्या अधिशोषक पदार्थ, कोई ना कोई क्या भरा हुआ है इसमें अधिशोषक पदार्थ, ठीक है। ये भर दिया सामने, इसमें कोई ना कोई क्या भरा गया है अधिशोषक पदार्थ, तो इस कॉलम में कोई अधिशोषक पदार्थ, मैं एल्यूमिना भी ले सकता हूं, चारकोल भी ले सकता हूं, तो डिपेंड करेगा कि धातु कौन सी है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने क्या भर दिया साहब, अधिशोषक पदार्थ भर दिया है, ठीक है। कि ऊपर से मैंने क्या डाल रहा हूं, अशुद्ध धातु का मिश्रण। जैसे आप इसमें मिश्रण डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, इसी कॉलम में आपके पास निम्न तरह का देखिए डायग्राम आपको दिखेगा, और वो दिखेगा कि जहां जहां उस मिश्रण के अवयव अधिशोषित हुए हैं वो क्षेत्र आपको रंगीन पट्टियों के रूप में इसमें दिखाई देंगे। इस तरह
ये हो गया वैसा ए बी सी और डी, ये कहां थे? इस अशुद्ध धातु में थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें किसी एक को धातु मान लो आप, उसके अलावा सब अशुद्ध हो गए। तो ये हमें सभी अवयव अपनी अपनी अधिशोषण क्षमता के हिसाब से इस पर क्या हो गए? अधिशोषित हो गए। देखिए आप कहिए किसकी अधिशोषण क्षमता सर्वाधिक है, डी की या ए की? ए की। जो जितना जल्दी अधिशोषित होता है उसकी अधिशोषित होने की क्षमता उतनी क्या होती है? अधिक होती है। तो देर से अधिशोषित कौन हुआ है? डी। ये यहाँ हुआ ही नहीं, ये तो बहुत अंत में जाकर क्या हुआ है? अधिशोषित। इसकी अधिशोषित क्षमता क्या है? सबसे कम। तो ये अवयव है ए बी सी और डी, और ये आपको अधिशोषित क्षेत्र जो है वो रंगीन पट्टियों के रूप में नजर आएंगे। ये जितने भी क्षेत्र है ना ए बी सी और डी, इन ये जहां जमेंगे वो आपको कैसे दिखाई देंगे? रंगीन पट्टियों के रूप में। और ये रंगीन पट्टियां आपको किस बात को शो कर रही हैं? ये बता रही है अधिशोषित क्षेत्र कि यहां पर क्या हुआ है, अधिशोषण हुआ है। इनमें से कोई एक धातु हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? अशुद्ध धातु को किसी न किसी द्रव में मिलाएंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। डिवाइस कर रहा हूं मैं, जिस धातु को आपको शुद्ध करना है उस अशुद्ध धातु को, अशुद्ध धातु में क्या क्या अवयव है? ए बी सी डी, इसमें कोई एक धातु, बाकी सब क्या मान लेंगे? शुद्ध। तो आप क्या करेंगे? अशुद्ध धातु के मिश्रण को किसी द्रव में घोलिए, इसका पेस्ट बनाइए, इस पेस्ट को एक कॉलम में प्रोवाइड कीजिए। कॉलम में क्या भरा हुआ है? अधिशोषक पदार्थ। मैं यूरिया भी कह सकता हूं, एयरिकोथ्री। अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ है जो अधिशोषण करेगा प्रत्येक अवयव का। थोड़ी देर बाद क्या होगा? अशुद्ध धातु में पड़ेगा प्रत्येक जो क्या है मिश्रण, प्रत्येक जो अवयव है वो अपनी अपनी अधिशोषण क्षमता के हिसाब से क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा, जो हमें किस रूप में नजर आएगा? रंगीन पट्टियों के रूप में। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? इसी कॉलम में क्या मिलाएंगे? उचित विलायक। विलायक का मतलब क्या हुआ? घोलने वाला। कोई ऐसा विलायक मिलाएंगे जो सिर्फ किसको घोल कर ले जाएगा? इसको। नीचे एक पात्र लगा देंगे हम, इस ए को घोल के घोलाया तो विलायक का से अलग हो गया। फिर दूसरा पात्र लगाएंगे, दूसरा विलायक लेंगे, वो किसको घोल के ले जाएगा? बी को घोल कर पत्थर कर लेंगे। फिर कोई ऐसा विलायक लेंगे जो किसको घोलेगा? सी को। फिर उसको नीचे लेकर पात्र अलग कर लेंगे। इस तरह पर भिन्न भिन्न पात्रों में सभी अवयवों को भिन्न भिन्न विलायकों में घोल कर क्या कर लेंगे? पृथक कर लेंगे। बात आ रही समझ में? इनको सबको अलग अलग भी तो प्राप्त करना है, तो ऊपर से क्या मिलाएंगे? कोई ऐसा विलायक जो सिर्फ इसी को घोल कर ले जाए, बाकी ये नहीं है, इसको घोल कर अलग पात्र में इकट्ठा। फिर कोई ऐसा विलायक मिलाएंगे जो इसको घोल ले जाएगा, बी को घोल के ले जाएगा। इस तरह हम उचित विलायक मिलाकर सभी अवयवों को पृथक पृथक रूप में इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह देखिए, यह विधि जो मैंने आपको पहले कहा था कि किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी विधि? वरण लेने की विधि। दो प्रकार के पदार्थ हैं। स्थिर प्रावस्था नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो हम अधिशोषण पदार्थ लेते हैं ना Al2O3, ये गति नहीं कर रहा, यह फिक्स है, इसलिए वो क्या कहलाता है? स्थिर प्रावस्था। गति प्रावस्था किसको कहते हैं? मिश्रण को कहते हैं। ये देखिए आप यहां से डाल रहे हैं, ये गति करता है, ये चलता है इसमें। तो जो अशुद्ध धातु है उसके मिश्रण को मैं क्या बोलूंगा? गतिक प्रावस्था। और सिद्धांत किसका लग रहा है? अधिशोषण का। अशुद्ध धातु में पड़ा प्रत्येक अवयव अपनी अपनी अधिशोषण क्षमता के हिसाब से इस अधिशोषक पदार्थ में क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा, जिनको हम उचित विलायक मिलाकर क्या करेंगे? पृथक कर लेंगे। क्लियर है? और देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको ये पूछे कि इस अवयव की अधिशोषण क्षमता सर्वाधिक है जो पहले अधिशोषित होता है, किसकी? ए की। और अवयव डी की अधिशोषण क्षमता जो है वो सबसे क्या है? कम। क्लियर है? इसमें हम आप एक बात को आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा, वो ये है कि जब हम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी लेते हैं उसमें हमें कितने पदार्थ चाहिए होते हैं? दो। क्या? एक तो स्थिर प्रावस्था, एक गति प्रावस्था। तो स्थिर प्रावस्था का मतलब क्या हुआ? अधिशोषक पदार्थ। यहां अधिशोषक पदार्थ कौन सा लें?
कैसा पदार्थ ले अपन जो किसका काम कर सके, स्थिर प्रावस्था का काम कर सके, जो क्या करे अधिशोषण करे। इस पदार्थ के चयन में आपको कुछ शर्तें याद रखनी है और वो क्या है कि एक तो ये अधिशोषण जो है वो उत्प्रेरक का काम नहीं कर दे, न वो अशुद्ध धातु से क्या करे, किसी विलायक से क्या करे काम, जो अपन द्रव मिला रहे ना इसमें पेस्ट बनाने के लिए इससे क्रिया नहीं करे। यहाँ जब हम उचित विलायक मिलाते हैं इनको अलग करने के लिए उससे क्रिया नहीं करे, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब क्या है, जो पदार्थ हम किसके रूप में ले रहे हैं, अधिशोषक पदार्थ के रूप में, किसके रूप में, स्थिर प्रावस्था के रूप में, वो किसी विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसकी अधिशोषण क्षमता जो है वो सर्वाधिक होनी चाहिए। वो अवयव को क्या कर लिया अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया। इस तरह हमारे पास शुद्धिकरण की विधियां जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 7 विधियां पढ़ी है। पेपर में लगभग निस्तापन वजन वाले कॉलम से, सांद्रण की 4 विधियों में और शुद्धिकरण की विधियों में से प्रश्न रिपीट होता है अभी तक जो प्रश्न आए उस हिसाब से। तो इस तरह हमने धातुकरण के 5 स्टेप को पढ़ लिया। मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूं, हमने अब तक इस चैप्टर में 5 स्टेप पढ़े हैं। खनिज एस की परिभाषा पढ़ी है और धातुकरण पढ़ा है, किसे कहते हैं धातुकरण, अयस्क से धातु प्राप्त करने का प्रक्रम धातुकरण, और अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप ले जाने पड़ते हैं, 5 स्टेप हमें ले जाने पड़ते हैं। साथ पीसना, सांद्रण, धातु ऑक्साइड बनाना, अपचयन करना और धातु का क्या करना, शुद्धिकरण। अब देखें हमने 5 स्टेप जो पढ़े हैं वो हमने कॉमनली पढ़े हैं सबके लिए, अब हम फिक्स अपनाएंगे कि लोहे के अयस्क से लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, कॉपर के अयस्क से कॉपर कैसे प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क से एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं। बट उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिपिकल भी है थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा है, समझने लायक चैप्टर है, बोर्ड में लायक जो है टॉपिक है वो हम लेकर इसमें चलेंगे। और वो टॉपिक जिसका सब टॉपिक है वो हमारे पास है धातु कर्म का उष्मा गतिकी सिद्धांत। धातु कर्म का उष्मा गतिकी सिद्धांत, देखिए मैं अब आपको उसके से एक बात पहले बता दूं, जो टॉपिक हम इम्पोर्टेंट आपको बता रहे थे वो था एलिंगम आरेख, और वो एलिंगम आरेख किस बेस पर काम करता है, उष्मा गतिकी सिद्धांत। तो उसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, उस एलिंगम आरेख की जो प्रस्तावना है वो इसमें पढ़ी गई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है धातु कर्म के 5वें स्टेप के बाद वो क्या है, धातु कर्म का उष्मा गतिकी सिद्धांत। देखें जहां धातु कर्म होता है ऐसे क्या प्राप्त करते हैं धातु, उसमें उष्मा गतिकी के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है, समझ रहे मेरी बात आप। और धातु कर्म में जितने भी परिवर्तन होते हैं, धातु कर्म में जितने भी क्या होते हैं परिवर्तन, उन परिवर्तनों में उष्मा गतिकी का एक टर्म है और वो क्या है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को मैं किससे शो करूंगा, डेल्सी से। तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो है वो धातुकरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण पद है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बोलिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, क्लियर है। और गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को दो समीकरण द्वारा बताया जा सकता है, दो समीकरण कैसे, डेल्सी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, नॉट का मतलब क्या मानक कंडीशन, डेल्सी नॉट माइनस 2.303 आरटी लॉग की
समीकरण नंबर एक। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेजी नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। नेचुरल लॉग को किसमें चेंज किया मैंने लॉग टेन के बेस पर, तो ये सिग्मा हो गया। इसको मैं इस तरह कह सकता हूं समीकरण नंबर तीन इसी का दूसरा रूप है। एक समीकरण होता है डेजी बराबर डेल एच टी डेल एस। समीकरण नंबर दो वापस से सुन लीजिए, हम धातु क्रम पढ़ रहे हैं अयस्क से क्या प्राप्त करने का प्रक्रम पढ़ रहे हैं धातु। अयस्क से जब धातु प्राप्त करते हैं तो कितने चरण अपनाते हैं अपन, पांच। पांचों चरणों में जितने भी चेंज होते हैं परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण चरण है, एक पद है, कर्म है हमारे पास, और वो कर्म कहां की है उष्मा गति की। वो क्या है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को हम दो समीकरण द्वारा शो कर सकते हैं। दोनों समीकरण किसकी हैं डेल्टा जी की हैं, और वो समीकरण क्या है डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग ए और डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं कौन क्या क्या है। डेल्टा जी क्या है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, आर गैस स्थिरांक, टी परम ताप, के साम्य स्थिरांक। डेल जी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल एच अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन, टी परम ताप और डेल एस एंट्रोपी में परिवर्तन। क्लियर है। इस ऊष्मागति सिद्धांत को डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वर्क आपको भेज रहा हूं आप।